अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले पानीपत सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे की हड़ताल की। डॉक्टरों की हड़ताल से पानीपत की अस्पताल की ओपीडी 2 घंटे बंद रही, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। संगठन के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद ढांडा ने कहा कि ये मांगे हो सकता है डॉक्टरों की भलाई की हो, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जनता की भलाई के लिए है। ढांडा ने कहा कि हरियाणा को फाइनेंशियली रूप से सबसे मजबूत राज्य माना जाता है। उन्होंने अपनी मांगे उठाते हुए कहा कि क्या हरियाणा की जनता बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डिजर्व नहीं करती है? क्या हरियाणा की जनता और हरियाणा के अस्पताल स्पेशल डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए डिजर्व नहीं करते हैं? डॉक्टर ढांडा ने कहा कि स्पेशल डॉक्टरों का काडर बनाने की मांग सीएम घोषणा का हिस्सा है, जिसको 2 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं और अगर अब भी ये काडर नहीं बना तो आखिर कब बनेगा? सबसे पहले तो हमारा जो आज 2 घंटे का पेन डाउन है, वो सांकेतिक रूप से जो हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है कि हमारे यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल पानीपत या पूरे राज्य में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है और इसकी जो है रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द की जाए, पहली तो ये डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो हमारा कैडर है, जो स्पेशलिस्ट कैडर है, वो अलग से बनाया जाए, जिसमें कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो ज़्यादा आएंगे, उनको इसमें और लोगों को सर्विसेज दे पाएंगे। इसमें सरकार का ही फायदा है और जनता का भी है। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो पीजी करने जाते हैं इन सर्विस, जो एचसीएमएस सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो जब पीजी करने जाते हैं तो उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड है। उसकी हमारी डिमांड है कि उसको कम किया जाए, 50 लाख या जितना कम हो सकता है वो किया जाए। तीसरी हमारी जो डिमांड है उसमें है कि जो डायरेक्ट SMO जो है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स को डायरेक्ट भर्ती सरकार कर देती है, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो MO भर्ती हुआ है उसको 20-20 साल लग रहे हैं, वो SMO नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट SMO भर्ती करने की वजह से पूरा कैडर रुक गया है, उसका प्रमोशन रुक गया है। और चौथी हमारी जो डिमांड है वो ACP जो है हमारी, अभी फिलहाल के लिए जो हमारी हरियाणा में ACP जो लग रही है मेडिकल ऑफिसर्स की, वो 5 साल, 10 साल और 15 साल पर लगती है। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वो देती है 4 साल, 9 साल, 13 और 20 पे। तो हम चाहते हैं कि ये चारों जो है हमारी ACP हमें सरकार दे, जिसकी वजह से HCM सरकारी जो है विभाग, सरकारी हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें डॉक्टर ज़्यादा आएं और लोगों की सेवा कर सकें। ये हम स्ट्राइक है, इसके बाद में हम वैसे ही हमारा सारा काम करेंगे। आगे की रणनीति बनाई हुई है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और लोगों तक एक बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो भी ये डिमांड्स हैं डॉक्टरों की भलाई के लिए है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पब्लिक की भलाई है। हरियाणा की जनता क्या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ डिजर्व नहीं करती? क्या हम फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर हैं क्या? वैसे तो हरियाणा नंबर 1 है हर चीज़ में, दिल्ली को चारों तरफ से हमने घेरा हुआ है। एक फाइनेंशियल रूप से हरियाणा को अच्छा स्टेट मानते हैं, तो हरियाणा के लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां सरकारी अस्पतालों में नहीं होनी चाहिए? अब इसी क्रम में ये स्पेशलिस्ट काडर की आप बात सुन रहे हैं, ये 2 साल पहले CM अनाउंसमेंट का हिस्सा है। CM साहब अनाउंस कर चुके हैं कि हम स्पेशलिस्ट कैडर बनाएंगे और हरियाणा के लोगों को बेहतर सेवाएँ देंगे, लेकिन उसी क्रम में 2 साल हो गए हैं अभी तक CM अनाउंसमेंट को, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद इलेक्शन ड्यू हैं, तो अभी नहीं तो कब बनाएंगे? दूसरा जो ACP का है, ये 3 साल पहले अप्रूव्ड है HM साहब से, CM साहब से, जो 4 ACP हैं। ये बिहार जैसा स्टेट अगर 4 ACP अपने डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे सकता है तो हरियाणा में अड़चन कहाँ है? जब स्वास्थ्य सेवाएँ इतना इम्पोर्टेंट इशू है, स्वस्थ हरियाणा होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो जब हरियाणा, जब बिहार जैसा एक बीमारू स्टेट अपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए 4 ACP अफोर्ड कर सकता है, तो हरियाणा की सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है? जो ये डायरेक्ट SMO वाले हैं फाइल, ये 10 साल से डायरेक्ट SMO भर्ती नहीं हो रहे। डायरेक्ट SMO हमारे मेडिकल ऑफिसर्स में से ही रिक्रूट हो जाएंगे। अभी जो क्लिनिकल काम कर रहा है, जैसे मैं अगर क्लिनिकल पेशेंट देख रहा हूँ, अभी रोज़ के 50 मरीज भी देखता हूँ, ऑपरेशन थिएटर भी करता हूँ, रात की ड्यूटी भी करता हूँ, मैं अगर SMO बन गया तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे चला जाऊँगा। तो अल्टीमेटली
हरियाणा के पानीपत जिले के सिविल अस्पताल को एक डॉक्टर की कमी हो जाएगी। तो डायरेक्ट SMO की जो सरकार ने दोबारा से फाइल चलाई है, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, जनहित में नहीं है ये। सरकार के ऊपर बर्डन भी होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी होगा, और लोगों को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट SMO सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही लग सकता है। जो बॉन्ड अमाउंट है हमारी PG पॉलिसी का हिस्सा है, बॉन्ड अमाउंट इतनी ज़्यादा हो गई है 1 करोड़ रुपये। अगर उसके पास 1 करोड़ रुपये होते तो बात ही क्या थी, वो ये करेगा तो बैंक की गारंटी मिले या मॉर्गेज हो जो भी आपको श्योरिटी मिल रही, या फिर डबल अमाउंट की श्योरिटी मिले। तो ये बहुत ही मुश्किल है, हर साल जब भी लोग PG करने जाते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस बॉन्ड अमाउंट को कम किया जाए, ये हमें नोटिस देने के बाद ACS मैडम के साथ स्टेट बॉडी की मुलाकात हुई थी, जिसमें कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकल के आया। उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट कार्डर की फाइल CM साहब के पास जा चुकी है, ACP की फाइल, 4 ACP की फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पिछले 3 साल से अटकी हुई है। डायरेक्ट SMO के लिए उन्होंने कमेटी रिक्रूट करने के लिए बोला है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं है। बॉन्ड अमाउंट के बारे में ज़रूर उन्होंने कहा कि हम रीथिंक करेंगे इस पर और विचार विमर्श करेंगे। एमरजेंसी सेवाएँ इन 2 घंटे के पेनडाउन स्ट्राइक में चली है। OPD के कुछ मरीजों को तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन हम ये भी आपसे विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमें 3 बजे के बाद 5 बजे तक भी बैठना पड़ेगा तो हम हर मरीज को, हर पेशेंट को देख के जाएंगे। लड़ाई लोगों के हितों की है, पेशेंटों के हितों की है, उनको तंग करने के लिए नहीं है। और ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है, जो हम मांग उठा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।